मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बीच में मेरा माइक बंद न हो मुझे, पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी भी बात इसके बाद आपको सुनना होगा, आप रुकेंगे। खड़गे का माइक बंद होते ही संसद में कांग्रेसियों ने तहलका मचा दिया, देखते रह गए भाजपा वाले। जी हां, आपको पता चले कि इस समय संसद में माहौल गर्मा गर्मी चल रहा है, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर हिंसा को लेकर विस्तार से बयान देने को कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार यह कह रहा है कि आप चर्चा तो शुरू करें, हम चर्चा करने को तैयार है। अब इसी बीच खड़गे ने सदन में तहलका मचा दिया। खड़गे का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस के द्वारा ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा गया कि इस सदन में हम मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की अपेक्षा करें, लेकिन 4-5 दिन हो गए और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे, वो इसी संसद में अपने ऑफिस में बैठकर सब देखते हैं। मणिपुर पर चर्चा के लिए सारा इंडिया तैयार है, लेकिन सरकार मणिपुर पर बोलने का मौका नहीं दे रही है। आइए हम आपको सबसे पहले खड़गे का यह पूरा बयान सुनाते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बीच में मेरा माइक बंद न हो मुझे, पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी भी बात इसके बाद आपको सुनना होगा, आप रुकेंगे। बात ये है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे उस लिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे। अभी तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती, हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं इस उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर सभापति से खड़गे हाथ जोड़कर विनती करते हुए नजर आ रहे कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुला लो, ताकि वो मणिपुर हिंसा पर अपने चुप्पी तोड़ सके। वहीं खड़गे के बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। इसी कड़ी में कमल केसरी के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि पहले बंगाल राजस्थान की घटनाओं पर चर्चा हो जाए, आराम से चलते की दिक्कत है इससे, क्योंकि अपने नेता की तरह पीएम को सस्पेंड नहीं कर सकते सवाल पूछने पर, लोकतंत्र के ढोंगी रक्षक। इसके अलावा डॉक्टर आनंद के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि मणिपुर में समस्या की जड़ बाहर से आकर बसने और संसाधनों पर कब्जा करने वाला कुकी समुदाय या बर्मा से यहाँ आकर यहाँ के मूल निवासी मैतेई समुदाय के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, कुकी समुदाय को देश से बाहर निकालना चाहिए। वहीं कांग्रेस के द्वारा एक और ट्वीट करते हुए लिखा गया कि आपको पता है कि हमारे देश का एक राज्य मणिपुर 3 महीनों से जल रहा है, हमारे देश के लोग असहनीय पीड़ा से जूझ रहे। पिछले दिनों मणिपुर से आए भयावह वीडियो ने देश के लोगों के मन पर जो गहरा घाव किया है वह ताउम्र रहने वाला है। जी हां, आपको बताया चले जिस तरीके से मणिपुर हिंसा, अब मणिपुर में 2 लड़कियों को परेड करके घुमाया गया, उसके बाद से लगातार सारा विपक्ष एक स्वर में मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपने मुंह पर सेलो टेप चिपका कर बैठ हुई है। फिलहाल जिस तरीके से खड़गे का आज बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सारा कांग्रेसी खेमा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।